हेलो दोस्तों, लॉ तरका यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्हाट्सअप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं और आप भी अपने फ़ोन में व्हाट्सअप जरूर चलाते होंगे। यदि आप एक व्हाट्सअप यूजर हैं, आप अपने फ़ोन में व्हाट्सअप चलाते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सअप के 3 ऐसे सीक्रेट लॉक के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने व्हाट्सअप चैट को हैक होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सअप चैट को कोई भी व्यक्ति लेते हैं ना दोस्तों, तो आप इस ट्रिक के बारे में जान ले जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप में 3 ऐसे सीक्रेट लॉक लगा सकते हैं और आप अपने व्हाट्सएप चैट को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर, तो मैं कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं लॉ तरका यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा कर ऑल पे क्लिक करें, इस वीडियो को यहां से लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाएं और यहां पे दोस्तों आपको कमेंट करना है व्हाट्सएप लॉक। जी हां दोस्तों, यहां पे व्हाट्सएप लॉक लिख करके आपको कमेंट कर देना है। जब आप यहां पे वीडियो पे कमेंट करेंगे उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप में ये सीक्रेट चैट लॉक को ओपन कर सकते हैं और आप अपने व्हाट्सएप चैट को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कि आपके व्हाट्सएप के अंदर ही मिल जाएगा, उसका दूसरा भी आपके WhatsApp के अंदर ही मिल जाएगा और तीसरा वाला जो लॉक है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिससे कि आप अपने पर्सनल चैट को सेफ और सिक्योर रख, यानी कि आपके फ्रेंड आपसे अगर मोबाइल भी मांग लेंगे और वो WhatsApp को ओपन करेंगे ना तो WhatsApp में चैट को नहीं पढ़ पाएंगे, आपके चैट में वो लॉक रहेगा जो कि आपके चैट को वो ओपन नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे वाले सीक्रेट चैट के लॉक के बारे में जरूर जानना। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट में आपको बता दूं, सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने WhatsApp को ओपन लेना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाना है, उसके बाद प्राइवेसी में जाना है। नीचे आएंगे दोस्तों, यहां पे दोस्तों आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक करके जो कि डिसेबल होगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहां से आपको इसको ऑन कर देना है और यहां से आपको फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर देना है और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इमीडिएटली का या आफ्टर 1 मिनट का या आफ्टर 30 मिनट का, तो आपको इमीडिएटली पे क्लिक कर देना है और यहां नीचे दोस्तों अगर शो कंटेंट नोटिफिकेशन अगर बंद होगा इसको ऑन कर देना, तो आपके WhatsApp में जो मैसेज आएगा ना तो वो मैसेज आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, यानी कि आपके WhatsApp चैट में ही रहेगा। और जब भी आपके WhatsApp को कोई ओपन करेगा ना तो यहां पे दोस्तों उसको फिंगरप्रिंट लॉक मांगेगा, तभी जाके वो WhatsApp को ओपन कर सकता है। बिना आपके फिंगरप्रिंट लॉक को वो WhatsApp को ओपन नहीं कर सकता है। तो है ना ये बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट लॉक जो कि आपके WhatsApp के अंदर ही है। चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरे लॉक के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाना है। नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आपने गलती से भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन बंद रखा है ना दोस्तों, तो अभी का भी इसको इनेबल कर दे, इसको ऑन कर दे, जिससे कि आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक होने से बच सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको 6 डिजिट का पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपको याद रहे वही पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है? तो जो पासवर्ड आपको याद रहेगा वो पासवर्ड डाल देना है। यहां पे आपको जो है ना रिकवरी ईमेल डाल देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बस दोस्तों आपको यहां पे रिकवरी ईमेल डाल देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहां पे डन पे क्लिक कर देंगे, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर आपके व्हाट्सएप चैट को हैक करना चाहेगा ना तो उनको यहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा, अभी जाकर के वो आपके व्हाट्सएप को ओपन कर पाएगा। यानी कि आपको पासवर्ड मालूम रहेगा, सामने वाले बंदे को व्हाट्सएप पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा, तो आपके व्हाट्सएप चैट को कभी भी हैक नहीं कर सकता, कभी भी आपके व्हाट्सएप चैट को नहीं पढ़ पाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको तीसरे लॉक के बारे में बता दूं जिससे कि आप अपने पर्सनल चैट में जो कि आपका जो पर्सनल चैट होगा उसमें आप लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका ये पर्सनल चैट है दोस्तों, तो आप सिर्फ इस चैट में लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, और बाकी का जो चैट जो रहेगा वो ओपन रहेगा। अगर आपका जो कोई पर्सनल चैट है जैसे कि आपके फ्रेंड्स का जिसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो चैट में अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों तो वो इस ट्रिक से आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा और
प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको लिखना होगा चैट लॉग। चैट लॉग लिखने के बाद दोस्तों आपको ये वाला एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो एक दो अलाउ मांगेगा, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, यहाँ पर 4 डिजिट का पासवर्ड लगा देना। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और जैसे कि ये पर्सनल चैट है आपका, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये चैट ओपन हो, यहाँ पर ये चैट लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि बाकी चैट ओपन है मेरा और ये चैट पर क्लिक कर देना तो ये चैट लॉक हो चुका है। लाइक कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने पर्सनल चैट को लॉक कर सकते हैं। तो ये 3 लॉक थे व्हाट्सएप के जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।